दोस्तों, कुछ समय पहले डंकी मूवी रिलीज हुई थी जिसमें मेन रोल शाहरुख खान ने प्ले किया और जिसमें यह बताया गया कि कैसे इंडियन यूथ इलीगल वेस्ट को अपनाकर यूरोप और यूएस की कंट्रीज में एंट्री लेते हैं और इसके पीछे मेन रीजन है उनको पैसे कमाना। आज यूएस में एंट्री करने वाले अनडॉक्यूमेंट इमिग्रेशन में 5th नंबर पे इंडियंस है और वही यूके में इंडियंस 3rd नंबर पे है। देखा जाए तो डंकी एजेंट्स के चक्कर में फंसकर लोग दुनिया के सबसे डेडलीस्ट बॉर्डर क्रॉसिंग का हिस्सा बन रहे हैं जिसमें हर साल बहुत सारे इंडियंस अपनी जान गंवा देते आए हैं। थे भाई, 4 जने बचे भाई, हम भूखे पेट चलने लग रहे। 5 दिन हो गए जंगल में, देखियो भाई मैक्सिको के भाई। ऐसा है देख, पता के माँ बाप का कल्ले कल्ले बालक हूँ भाई। 35-40 लाख रुपए दे रखे मारे माँ बाप ने। अब ना 2 महीने हो गए, मारे माँ बाप तो बात भी नहीं करी। सभी भाई आता है भाई, माँ मैं बात करना चाहूँ भाई, डोंकी में कोई ना आई हो भाई, 1 नंबर में चले। और ये नंबर अब लॉकडाउन के बाद तेजी से आगे बढ़ा। वैसे में इलीगल इमिग्रेंट्स इंडियंस का नंबर 2019 से 2023 तक 5 टाइम से ज्यादा नंबर बढ़ गया है। तो हमारे माइंड में आता है कि डंकी प्रोसेस है क्या और क्यों इंडियंस इलीगल वेस्ट से यूएस, यूके और कनाडा जैसी कंट्रीज में जाना चाहते हैं और इसमें क्या चैलेंजेस सामने आते हैं और इसके केसेस बढ़ने का क्या रीजन है। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो। तो दोस्तों, डंकी फ्लाइट्स का यूज जो पंजाब के नौजवान युवा इलीगल वे से यूके, यूएस एंड कनाडा जाते हैं उनके लिए यूज होता है और ये टर्म तब पॉपुलर हुआ जब माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने 2014 में एक रिसर्च पब्लिश की। तो देखा जाए तो रिसर्चर्स ने पंजाब से यूके जाने वाले अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स की स्टडी की तो उन्होंने पाया कि डंकी का मतलब है कि प्लेस टू प्लेस फ्रीक्वेंटली जाना। तो होता क्या है कि किसी व्यक्ति को अपने पसंदीदा देश में लीगल वेज के थ्रू एंट्री नहीं मिल पाती तो वो इलीगल वेज को चूज करते हैं। अगर यूएस की बात करें तो यूएस में एंट्री के लिए लोग पहले किसी लेटिन अमेरिकन कंट्री का वीजा लेते हैं, फिर वहां से मैक्सिको पहुंचते हैं और फिर वहां से यूएस में एंट्री लेते हैं। और जो मैं ये बात 2 लाइंस में आपको बोल रहा हूं, इसके लिए लोग अपना जीवन की सारी पूंजी लगा देते हैं और साथ में अपना जीवन भी, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते मोस्टली लोगों की डेथ हो जाती है या अगर वो बॉर्डर क्रॉस भी कर जाते हैं तो उनको पुलिस डिटेन कर लेती है। अक्टूबर 2021 से लेके अगस्त 2023 तक क्रॉस बॉर्डर पुलिस ने 16,290 लोगों को अपनी कस्टडी में लिया और ये नंबर 2018 में बस 9,000 था। और सबसे हैरत करने की बात यह है कि यूएस कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग नवंबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक 97,700 इंडियंस को अरेस्ट किया गया इलीगली एंट्री करते हुए, जिसमें से 30,000 लोग कनाडा बॉर्डर पे एंट्री कर रहे थे और 41,000 के अराउंड मैक्सिको बॉर्डर से। तो आप इसे समझ सकते हैं कि डंकी के जरिए लोग असाइलम के लिए यूएस में जा रहे हैं। अब हमें डंकी के बारे में तो समझ आ गया, अब जानते हैं इसके प्रोसेस में। तो यूएस, यूके एंड कनाडा जाने वालों में सबसे ज्यादा मेजोरिटी पंजाब की होती है। तो पंजाब में जितने सारे एजेंट्स हैं वो वहां पे एक वर्क वीजा या एजुकेशनल वीजा दिलाने की गारंटी दे देते हैं और इसी गारंटी से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो एजेंट्स पैसे लेके वीजा के लिए अप्लाई करते हैं बट मोस्टली केसेस में वीजा रिजेक्ट हो जाता है। जो सपना वो यंगस्टर को दिखाते हैं तो उसके उनके अरमान बड़े हो जाते हैं, फिर वो चाहे कैसे भी इस देश में जाना चाहे, चाहे वो लीगली हो चाहे इलीगली। तो फिर बारी आती है इलीगल वे से एंट्री करवाने की, जिसके लिए 20 लाख से लेके 50 लाख तक की डिमांड की जाती है। एजेंट्स को डोंकर बोला जाता है और वो क्लाइंट्स के लिए पूरा रोड मैप रेडी करवाते हैं। उसके बाद उनको हर कंट्रीज में लोकल डोंकर्स के हवाले कर दिया जाता है। अगर एग्जांपल ले यूएस की, तो एजेंट्स पहले क्लाइंट को किसी लेटिन अमेरिकन कंट्री में भेजते हैं जहाँ पे वीजा फ्री हो या इजली अवेलेबल हो, जैसे कि एक्वाडोर जहाँ पे 180 कंट्रीज के लोग बिना वीजा के एंट्री कर सकते हैं और वहीं पर पहुंच के असली चैलेंजेस स्टार्ट होते हैं। तो एक्वाडोर में किसी प्राइवेट बस या व्हीकल से क्लाइंट्स को कोलंबिया पहुंचाया जाता है जहां से स्टार्ट होती है काफी लंबी लॉन्ग जर्नी।
कोलंबिया से आगे की जानी में आता है डेरियन लेक, जो कि दुनिया का काफी दुर्गम जंगल है जो कोलंबिया को पनामा से जोड़ता है। यहाँ पे किसी भी देश का कोई भी कानून लागू नहीं है और यहीं पे ज्यादातर लोग अपनी जान मारते हैं। फिर भी बॉर्डर क्रॉस करने के बाद उनको अमेरिकन पुलिस ग्रीन कर लेती है, जिसके बाद उनको डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है जो बॉर्डर के पास ही होती है, जहाँ पे एसएलएम की मांग क्रेडिबल फियर इंटरव्यू से होती है, जिसमें उन्हें अधिकारियों को भरोसा दिलाना पड़ता है कि वो इंडिया में या अपने देश में काफी प्रताड़ित किए गए हैं और इसलिए उन्हें अपने देश छोड़ना पड़ता है। और अगर इससे ऑफिसर को लगता है कि जेन्युइन रीजन है तो उन्हें इमिग्रेशन जज के सामने लेके जाया जाता है और फिर जज डिसाइड करते हैं कि किसको असेलम मिलेगा और किसको नहीं। एंड उसमें से काफी कम लोगों को ही असेलम मिलता है तो वो रिपोर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देखे तो 1984 के राइट्स के बाद जितने भी सिक्स असेलम के लिए यूएस पहुंचते हैं उन्हें इजिली असेलम मिल गया। तो आइए अब जानते हैं कि इंडिया में डंकी वीजा के केसेस इतने क्यों बढ़ गए हैं। तो अगर डंकी का इशू देखे तो मोस्टली तीन स्टेट्स हैं, पंजाब, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। तो इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है जो लोग पहले वहां जाके सेट हो चुके हैं उनकी स्टोरीज आज भी यहाँ पे यूथ के लिए मोटिवेशन फ्यूल का काम करती है। तो लोग ज्यादा वेल्थ एंड कम मेहनत के चक्कर में इस रास्ते को चूज करते हैं। दूसरा ये देखा गया है कि अमेरिका का वेलकम फेस भी इसके लिए जिम्मेदार है। इसको ऐसे समझते हैं कि अमेरिका में आज भी इंडियंस को वर्क वीजा मिलना काफी मुश्किल है, लेकिन दूसरी ओर अमेरिका अपने दरवाजे उनके लिए खोल देता है जो इलीगली वहां पे एंट्री करना चाहते हैं। और इसी से ही अमेरिका ये शो करता है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा है और अमेरिका ये दर्शाना चाहता है कि हम एसएलएम प्रोवाइड करके वी आर द ग्रेट अमेरिका, जिससे उनकी एक इमेज इंटरनेशनल लेवल पे बनती है। इसी वजह से हमारे देश की रेपुटेशन खराब होती है कि कहां हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दूसरी ओर डंकी वीजा के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए अनएम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। तो देश की गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट स्टेप लेने चाहिए ताकि हम अपने यूथ का भविष्य खराब होने से बचा सके और यूथ के टैलेंट को देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए यूज कर सके। अगर आपने इसके स्टडी से कुछ सीखा है तो सब्सक्राइब और जरूर।